सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल कायाकृति को और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल बटन को दबाइए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ नारियल पानी और तुलसी पत्ता का फेस टोनर शेयर करूंगी। दोस्तों, गर्मियों के दिनों में धूप के कारण हमें सनबर्न सन टैन हो जाता है, पसीने अधिक निकलने के कारण पिंपल्स और एक्नी हो जाता है और हमारा चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल और बेजान लगने लगता है। तो ये फेस टोनर इन सारी समस्याओं को दूर करेगा और आपके चेहरे पे एक नया निखार लेके आएगा। इसके लिए मैंने लिया है तुलसी की 5-6 पत्तियाँ, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से धो लिया है मैंने। फिर मैंने लिया है नारियल, आप इस नारियल के जगह पर हरा वाला भी नारियल ले सकते हैं। और फिर मैंने लिया है रोज वाटर, इसके बाद हमें चाहिए ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। दोस्तों, अगर आपके पास ऑरेंज एसेंशियल ऑयल नहीं है तो आप इसके जगह पे नींबू का 5-6 बूंद डाल लीजिए, नींबू का रस का। तो अब हम सबसे पहले तुलसी की पत्तियों को बिल्कुल अच्छी तरह से कूट लेंगे। तो मैं एक प्लेट में इसके पत्तियों को डाल लेती हूँ और इसे अच्छी तरह से कूट लेंगे। बिल्कुल बारीक कूटना है हमें, क्योंकि हमें इसका रस चाहिए। ये देखिए, मैंने इसे कूट लिया है। अब एक बाउल में हम इसे डाल लेंगे। तो ये 1 चम्मच के आसपास तुलसी का पेस्ट है, तो मैं इसमें 10 चम्मच डालूंगी रोज़ वाटर का। दोस्तों, रोज़ वाटर हमारे चेहरे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हमारे चेहरे को मॉइस्चराइज करता है, हमारे चेहरे से दाग धब्बे को हटाता है। तो मैं 10 चम्मच डालूंगी रोज़ वाटर का। इसके अलावा मैंने इसमें यूज़ किया है तुलसी की पत्तियों का। तो दोस्तों, तुलसी की पत्तियाँ में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगस और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है, जो हमारे चेहरे से दाग धब्बे को हटाता है, पिंपल्स को ठीक करता है, झाइयाँ को हटाता है और हमारे चेहरे को बिल्कुल बेदाग बनाता है और हमारे चेहरे पर एक नया निखार लेके आता है। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसे ऐसे ही हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि गुलाब जल में इसका सारा अर्क आ सके। तो अब हम नारियल को छेद करके इसका सारा पानी निकाल लेंगे। दोस्तों, नारियल में ढेर सारे विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगस गुणों से भरपूर होता है, जो हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारे चेहरे के लिए भी फायदेमंद होता है। ये हमारे चेहरे से दाग धब्बे को हटाता है, पिंपल्स को ठीक करता है। अगर हमारा चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल और बेजान लगने लग रहा है तो उसको मॉइस्चराइज करता है, सनबर्न सन टैन को ठीक करता है और हमारे चेहरे पे एक नया ग्लो लेके आता है। तो इस तरह से मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया। अब एक दूसरे बाउल में मैं फिर से इसे छान लूँगी, ताकि बिल्कुल बारीक छन जाए और इसमें नारियल का कोई रेसा वगैरह ना हो। अब एक खाली बाउल लेंगे और इसमें हम गुलाब जल और तुलसी पत्ता का जो पेस्ट था उसे मैं छान लूँगी। छानने से पहले एक आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें, बिल्कुल पानी हरा हो चुका है, यानी कि तुलसी पत्ता का सारा अर्क गुलाब जल में आ चुका है। तो मैं इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लेती हूँ। अब इसी पानी में हम फिर से नारियल पानी को छान लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। दोस्तों, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल का 5-6 बूंद डालेंगे। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे चेहरे से दाग धब्बे को दूर करता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब एक स्प्रे बोतल में इसे हम डाल लेंगे। दोस्तों, आपका स्प्रे बोतल बिल्कुल साफ होना चाहिए। अब इसमें हम इसे डाल लेंगे। तो इस तरह से मेरा फेस टोनर बन के तैयार हो चुका है। इसको यूज़ करने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोकर साफ कर ले। आपको इसे साफ चेहरे पे अप्लाई करना है और पूरे फेस पे, पूरे नेक पे आप इसे अप्लाई कर ले। दोस्तों, आप चाहे तो इस टोनर को क्लेंजर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपको लगे कि आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डल और बेजान लगने लग रहा, तो आप इसे अपने पूरे चेहरे पे स्प्रे करके उसे साफ भी कर सकते हैं। इस टोनर को आप बनाकर फ्रिज में रखकर 15 से 20 दिनों तक यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इसे ज़रूर बनाइए और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते।